हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोडेक्सी V860C फ्लैश के बारे में। ये सी कैनन के लिए है, अगर यहाँ पे एन लिखा होता है तो निकोन के लिए होगी, और एस लिखा होगा तो ये सोनी के लिए होगी। तो ये मैंने कैनन के लिए ली है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं V860C सेकेंड गोडेक्स की। ये फ्लैश है, तो इसको मैंने यहाँ से ऑन करा है, ये ऑन हो गई है। और दोस्तों, यहाँ पे ये दो बटन दिए हैं, यहाँ पे रीसेट है। इसको हम लॉन्गली थोड़ा देर तक हम प्रेस करेंगे तो ये, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दिया, ये रीसेट होगी। तो ये इसको रीसेट करने के लिए इन दोनों बटन को एक से दबा के थोड़ी देर प्रेस रखिएगा तो ये रीसेट हो जाएगी। ये ETTL पे है, तो यहाँ पे ये जूम का ऑप्शन है, यहाँ पे कोई फिगर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये जूम इसका ऑटोमेटिक पे है। अगर हम इसका जूम का बात करें तो जूम को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वाले बटन से। ये जूम है, और इस डायल को हम इसको घुमाएंगे तो ये अब यहाँ पे फिगर आ गया। तो ये इसकी जूम पावर होगी 20 mm, तो ये 20 mm वाइड हो गया। तो ये इसकी रोशनी जो है वो 20 mm के जो एंगल होगा उतनी वाइड होगी। और जैसे कि और हम इसको दूर तक देना चाहते हैं, ये हमने 135 हो गया, यहाँ 200 mm तक हो गया, 200 mm हो गया। तो जैसे कि हमारा कैमरे का लेंस 200 mm पे जितनी दूर का उसको हम क्लोज कर सकते हैं, इतनी दूर तक की इसकी रोशनी है, वहाँ तक इसकी रोशनी फायर हो सकती है। तो दोस्तों, 70 mm भी है इसमें। सबसे अच्छा बात है कि हम इसकी जो रोशनी को कितनी दूर तक हम थ्रो कर सकते हैं फ्लैश की, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फंक्शंस हैं, ये सिंक का फंक्शन हो गया, ये है हाई स्पीड सिंक का फंक्शन हो गया। अगर कैमरे को हम हाई स्पीड पे लगा करके फ़ोटो खींचना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो ये हाई स्पीड सिंक का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूड का हो गया, ये मैन एम लिखा हुआ है तो ये मैनुअल मूड हो गया। मैनुअल मूड पे हम मैनुअली इसके फंक्शंस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी पावर है, फ्लैश की पावर है 1/128, तो सबसे लोएस्ट पावर होगी इसकी यहाँ पे अभी। तो इसको हम चेंज करने के लिए ये वाला रिंग हमें डायल करना है। अभी यहाँ पे 1/64 इसकी पावर होगी, 1/16, 1/8, 1/1, तो यानी कि आप इस समय 1/1 पर इसकी फ्लैश की पूरी पावर होगी है। और ये 35 mm हमारा जूम हो गया है, तो जूम अगर हम इसको दूर तक करना चाहते हैं 70 mm तक, ये पूरी पावर के साथ में 70 mm दूरी तक ये फ्लैश फायर होगी, इसकी रोशनी वहाँ तक जाएगी। यहाँ पे ये फंक्शन है, ये अभी मोड का, अब ये ऑप्शन है एम के बाद में ये मल्टी मोड आ गया, तो ये मल्टी मोड फंक्शन हो गया। और फिर वापस ETTL पे आ गया, यहाँ से ये फंक्शन है ऑन ऑफ के बटन के बराबर में, इस बटन को हम दबाते हैं तो ये ETTL ये फ्लैश का जो बिजली की तरह यहाँ पे आइकन आ रहा है, ये वाला फंक्शन इसमें काम करेगा। ऐसे ही इसमें ये वाला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे इसके भी तीन मूड हैं, एम मैनुअल मूड हो गया, मल्टी मूड हो गया, या चैनल्स वगैरह दिए हुए हैं, मास्टर दे रखा है यहाँ पे, तो इस तरीके से हो गया। एक बार हम इसको अगर हम दबाएँगे तो ये वापस इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, ये ATTL अभी मास्टर पे है, इसको हम दबाएंगे तो एक बार ये स्लिप पे आ गया। स्लिप का मतलब यानी कि अब ये फ्लैश सेकंड उस पर काम करेगी, या हम जो है दूसरी फ्लैश के थ्रू इस फ्लैश पे हम काम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि अभी इससे पहले जो ऑप्शन था, माफ़ कीजिएगा, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन अगर हमने फ्लैश को अपने ऑन कैमरा फ्लैश यानी कि कैमरे के ऊपर फ्लैश लगा रखी है, और हम दूसरी फ्लैश के इस फ्लैश के थ्रू दूसरी फ्लैश भी हम रन करना चाहते हैं, तो इसको हम मास्टर पे लगाएंगे, कैमरे वाले फ्लैश जो है उसको मास्टर पे लगाएंगे। ये मास्टर पे ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, इसके दोबारा ये स्लेव का ऑप्शन आ गया, तो यानी कि जो सेकेंड फ्लैश होगी हमारी, अदर फ्लैश होगी उनको स्लेव पर लगाएंगे, तो हमारी जो कैमरे पर फ्लैश लगी हुई है उसकी साथ में ये स्लेव पर लगी हुई जितनी भी फ्लैश होंगी तब ये दूसरी फ्लैश इस कैमरे के साथ में, मतलब कैमरे की फ्लैश के साथ में काम करेंगे। तो इसके बाद ये हो गया, और इसके बाद में एक ऑप्शन है ये वायरलेस ETTL। तो वायरलेस ETTL में ये मास्टर पे है अभी, और यहाँ पे ये मोड वही मोड है जैसे मैनुअल मोड हो गया, मल्टी मोड हो गया, और ये ग्रुप का और ऑप्शन है, इसमें हम कौन से ग्रुप में कितने कौन कौन सी फ्लैश हम डालना चाहते हैं। ये ग्रुप यहाँ से हम GRA ग्रुप को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ABCDE
तो ये ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे हम पांच ग्रुप दिए हुए हैं यहाँ पे, तो पांचों ग्रुप में अलग अलग हम फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ग्रुप हमें किस समय चलाना है वो सेलेक्ट करके हम काम कर सकते हैं। तो ये मोड हो गया इसका, ETTL ये मास्टर पे है अभी। ऐसे ही एक बार और हम दबाएंगे तो ये स्लेव पे मोड ऑप्शन आ गया। तो ETTL वायरलेस का तब हम कब यूज़ करते हैं, जब हम इसको स्टैंड पे लगा रखा है या अलग से कैमरे, यानी कि ऑफ कैमरा हम इसको यूज़ करते हैं। कैमरे पे हमने ट्रिगर लगाया हुआ है, ट्रिगर के साथ में इसको हम रन कराना चाहते हैं, तब ये वायरलेस ETTL के साथ में, ये वायरलेस का ऑप्शन है तो ETTL लिखा हुआ है, वायरलेस ETTL के साथ में हम इसको यूज़ करते हैं स्लेव के साथ में। तो कैमरे पे हमारा ट्रिगर लगा हुआ है और हम इसको रन कराना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, इस ऑप्शन पे अच्छा काम करेगा। तो ये स्लेव है, यहाँ से हम मैन्युअली अगर सेलेक्ट करना चाहें तो मैन्युअली हमें कितनी पावर देनी है, जैसे कि 1/1 है, ये 1/1 फ्लैश की पावर है, तो इसको हम घटा भी बढ़ सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैं वापस को 128 या 164 पे छोड़ देता हूँ, तो ये 164 की फ्लैश पावर काम करेगी। अगर ETTL पे हम इसको लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितनी सब्जेक्ट को हमारी रोशनी चाहिए ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके पावर को, कैमरे की फ्लैश की जो पावर है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करेगी, उतनी पावर हमारे सब्जेक्ट को देगी ETTL पे। अगर हम मैन्युअली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैन्युअली पे हमें जितनी हमें पावर देनी है, जितनी हमें रोशनी देनी है हमारे सब्जेक्ट पे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ्लैश की। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं, और इन फंक्शनों को आप यूज़ करिएगा, जितना आप इस फ्लैश को यूज़ करोगे अलग अलग फंक्शन इसके चेक करोगे, आप खुद ही जान जाओगे अच्छा क्या है, किस समय कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए। तो कुछ फंक्शंस यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बराबर वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।